देख सकते हो हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी प्लान से नजर का धामा जाने के लिए हम क्या हो, बारिश बहुत जोर से आने लगी है, काफ़ी अच्छा है मौसम। तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम फाइनली आ चुके हैं निसर्गधामा, कावेरी निसर्गधामा में। तो अभी अभी हमने कार पार्क की है, अभी हम एंट्री कर रहे हैं। और ये जगह अभी तक मुझे पता नहीं, मैंने देखी नहीं है कैसी है, बट अंदर जाना पड़ेगा, काफ़ी क्राउड है। आपने वैसे ही देखा एंट्रेंस में कितना सारा क्राउड था, कितने सारे लोग थे। एंड देखते हैं अंदर जाने के बाद पता चलेगा कैसा रहेगा। मास्क पहनना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं तो मैं मास्क पहन लेती हूँ। आइए चलते हैं। तो देखिए मैं आ चुके हैं कपड़ों की दुकान में, एक राउंड सोच आप सबको दिखा दूं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वैरायटीज हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ है, काफ़ी अच्छे हैंड बैग्स हैं यहाँ पे। मेरी सबसे फेवरेट जो है वो है टेडी, और वो मैं यहाँ देख सकती हूँ। काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर और काफ़ी शॉप्स और काफ़ी राइड्स भी हैं, लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो लोग बस में भी आए हैं। ये रहा 3D मिरर मेज, यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए ये टिकट काउंटर है, अभी हम जा रहे हैं बैठने जा रही हूँ इस झूले में। देखिए बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे बैठने। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बैठ चुकी हूँ अभी तैयारी के साथ, अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा राइड। तो आई एम एक्साइटेड, मुझे बहुत मजा आएगा। ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों की चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बच्चे खेलते हुए एंजॉय करते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक छोटा सा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हम वापस चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कहीं और चले, तो हम चल रहे हैं अंदर। तो सब लोग बाहर वापस आ रहे हैं, हम जा रहे हैं अंदर। देखिए मैं आपको दिखा,
देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ, ये ब्रिज है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप देख सकते हो। क्या था आज, बोटिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने बोटिंग नहीं की। इतनी अच्छी ग्रीनरी है, सो सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और आप अब देख सकते हो यहाँ पे जो एंट्रेंस है वो काफी अच्छी लग रही है। देखिए यहाँ पे जो एंट्रेंस है, लोग बैठे हैं, ये देखिए कितना अच्छा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना क्यू है यहाँ पे, लाइन लगी हुई है। तो हम आ चुके हैं दोबारे एलिफेंट कैंप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है, और आप यहाँ पे देख सकते हो हॉर्स और कुछ शॉप्स आसपास में। काफी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पार्किंग बहुत ज्यादा है लोग। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बज चुके हैं 6:44, तो मैं सो गई थी कार में, काफी ज्यादा नींद आ रही थी मुझे, तो अभी जगी हूँ मैं। हमने सोचा कि हम चाय पी लें, कुछ स्नैक्स खा लें, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम में डिनर का वक्त हो रहा है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ आए हैं। तो ये जो होटल है यहाँ पर हम आए हैं चाय पीने के लिए और कुछ स्नैक्स खाने के लिए। और उसके सामने आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी सी होटल है, बट हमें नहीं पता कि वहाँ पर चाय मिलती है या नहीं, बट हम और हमने मंगवाया है चाय के साथ खाने के लिए। और ये रहा गोभी, तो ये रही चाय। अभी हम आ चुके हैं चनपटना में डिनर करने के लिए, और मैं आपको यहाँ का काफी क्राउड है, और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी मैं सो कर सुबह उठी हूँ, अभी ये नेक्स्ट डे है। तो हम पहुँच चुके हैं घर, कल रात हम आए थे ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास, एंड काफ़ी थक चुके थे। मेरा जो फ़ोन था वो भी ऑफ था, इसलिए मैं कल रात नहीं बात कर पाई। और बहुत ही बढ़िया था ट्रिप जो था जहाँ पर हम गए, स्पेशली वो जो ट्रैवलिंग पार्ट था, यू नो हमने लिया था अम्मास ट्रैवल, एंड इट वाज रियली रियली अमेजिंग। मैं हर एक शख्स को रेकमेंड करूँगी, अगर आप बैंगलोर से जा रहे हो तो प्लीज़ आप अम्मास ट्रैवल से जाइए। और होम स्टे जो है वो हिमाजी का है। सारे डिटेल्स जो है ट्रैवल और होम स्टे की मैं आपको अपने यू नो डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप देख सकते हो विथ लोकेशन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी 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 अच्छा था, ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ।
बहुत अच्छे से गया है। तो आई होप आप सबको ये हमारा जो ट्रिप था ये पसंद आए, एंड साथ ही साथ ये मत भूलिएगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, थैंक यू।